नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसा सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार इस वक्त 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। देख रहे हैं कैसा सीड का फरवरी वायदा 6460 पर ट्रेड कर रहा है, 6486 का ही लगा चुका है। मामूली सी करेक्शन है, कल को 6500 का लेवल देखने के बाद हम देख रहे हैं कि कैसा सीड की कीमतों में 6400 तक का अभी लेवल देखने को मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि कैसा सीड यहाँ से अब आगे अगले कारोबारी सप्ताह में तेजी दिखाएगा या फिर यहाँ से करेक्शन हावी होगी। जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी अखिलेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, आपने कैसे सीड का जो लेवल दिया था कि 6500 से 6600 के लेवल देखने को मिल सकती है, हमने 6500 के स्तर तो आते हुए देखे हैं लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह कैसे के लिए मुनाफा वसूली वाला रह सकता है या फिर यहाँ से जो बाइंग है वो इनिशिएट होती रहेगी और कीमतें आगे और तेजी की ओर जाती रहेंगी? देखिए, कैस्टर में इस बार क्रॉप हमने कम देखी है, मुझे लगता है कि ये जो बाइंग है ये जारी रहेगी। हालांकि हो सकता है कि हायर लेवल पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो उसमें खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि 6600 एक जो महत्वपूर्ण स्तर है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 6800 6900 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे। टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फंडामेंटली भी क्रॉप साइज कम है और एक्सपोर्ट डिमांड भी इसकी बढ़ी है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, थोड़ा नीचे आए तो खरीदारी का ट्रेड बनाएं। जी ये से मुझे बात करें अगर अब बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के लेवल के बाद बिनौला खल में अब 3200 के लेवल्स पर बिनौला खल ट्रेड करता नजर आ रहा है। 0.2% की करेक्शन आज हम बनते हुए देख रहे हैं। अब अगला कारोबारी सप्ताह बिनौला खल के लिए कैसा रह सकता है, क्या यहां से बिनौला खल में थोड़ी और मुनाफा वसूली मिले देखने को मिलेगी या फिर इन स्तर से खरीदारी आएगी? देखिए बिल्कुल, बिनौला खल मुझे लगता है कि यहां पे कुछ नरमी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हायर लेवल पर जो डिमांड है वो यहां पे कम होती हुई दिख रही है। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो जो बाकी प्रोडक्ट है वहां पर हम डिमांड आती हुई देखेंगे, क्योंकि कैटल फील्ड की डिमांड है। अगर कल महंगी होगी तो जो पशु चारा है वो हरा चारे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि इन लेवल पे जो डिमांड रहेगी वो कम रहेगी और यहाँ पर हमें नरमी का ही रूप देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम 3100-3000 के लेवल देख पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि आप खरीदारी ना करें, कुछ ऊपरी स्तर मिले 3300 के आसपास तक या 3350, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें। जी अनुज जी, यहीं से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपने जीरे का टारगेट दिया था 19,000 का, कि आने वाले समय में जीरे में 19,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब आपका वो स्तर, आपका जो लेवल था, वो जो टारगेट दिया था आपने 19,000 का, वो अचीव होता नजर आ चुका है। इनफैक्ट हमने कल के कारोबारी सत्र में जीरे को 19,950 पर भी ट्रेड होते हुए देखा। आपको क्या लग रहा है, जो जीरा अभी भी 19,000 के ऊपर सस्टेन है, तो क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में जीरा 20,000 के भी स्तर दिखा सकता है? देखिए, जो हमने टारगेट दिया था 30,000 का, वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि मसालों में आगे भी तेजी रहेगी, मगर इन स्तरों पर जो डिमांड है वो थोड़ी हम कम देखेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक अगर देखें तो हायर लेवल पर डिमांड कुछ कम होती हुई दिखती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा यहाँ गिरावट देखने को मिलेगी। अगर 400 से 500 रुपए की गिरावट करीबन 19,000 तक के लेवल अगर मिलते हैं, 18,800-19,000 के आसपास तक, तो दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि दोबारा से जो हम टारगेट रिवाइज करेंगे तो 3,500 से लेकर 21,000 तक के टारगेट को हम रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी करी है हमारी रिकमेंडेशन पे, वो प्रॉफिट बुक करें। भाव अगर नीचे आए 18,500-19,000 तक, तो वहाँ पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। जी इसी के साथ अनुजी देख रहे हैं कि धनिया और हल्दी, इनमें हल्की नरमी आते हुए देखने को मिली है, हालांकि सपोर्ट लेवल्स पर ही है अपने। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में हल्दी और धनिया में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मसाले हमारी 2022 की टॉपिक रहे हैं और हमने अभी कोई टॉपिक पे चुना था हमें, और जो हमारा टारगेट था 11,000 के आसपास का, वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी हल्दी में और तेजी का रुख रहेगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले सत्रों में आपको 12,000 के ऊपर के भी लेवल देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर भी हम हायर लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, क्योंकि डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, लोअर लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें, 10,800-10,500 तक के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जी अनुज जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की,
तो ग्वार में आपने बताया था कि तेजी देखने को मिल सकती है, ग्वार गम में देखने की 12,000 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले थे और ग्वार सीड में 6400 के, लेकिन यहां से देखने की करेक्शन भी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह में जो करेक्शन ये थोड़ी और गहराएगी? देखिए गिरावट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो भी यहाँ पे कुछ कम है, मगर हमारा व्यू है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करें, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। भाव नीचे में 6200 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, ऊपर में 6600 काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया है, मुझे लगता है कि अगर 6600 ब्रेक करेगा तो हम अच्छी रैली देखेंगे। फिलहाल अभी जो रेंज हमें लग रही है वो 6200 से लेकर 6500 6600 तक लग रही है, इस रेंज में मार्केट घूम सकती है, नजर रखना चाहिए 6600 के लेवल को, अगर वो ब्रेक हो तो फिर दोबारा खरीदारी करें, उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा करीबन 6600 से लेकर 7000 का होगा। पर फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा अभी रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल होने की वजह से डिमांड कम है। आप मुझे लगता है कि हमारी एडवाइस है कि 6200 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करें। जी सनू जी, बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में आपने बताया था कि थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है और सोयाबीन में भी आपने नरमी बताई थी, हम ठीक वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं कि इस वक्त खाद्य तेलों में सोयाबीन में एक नरमी के साथ ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, आपके अनुसार आने वाला कारोबारी सप्ताह खाद्य तेलों के लिए ओवरऑल कैसा रह सकता है? देखिए हमारी रिकमेंडेशन थी कि पैटिकल ऑयल्स में कुछ नरमी रहेगी क्योंकि आगे जो क्रॉप साइज है काफी अच्छा है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग इस बार पैदावार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से सरकार ने ऑयल मिशन स्टार्ट कर रही है वो भी मुझे लगता है कि उसका भी बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट रहेगा, तो उससे हमें लगता है कि एडिबल ऑयल में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा एडिबल ऑयल्स में, हमें लगता है कि सरसों सोयाबीन यहाँ पर थोड़ा बिकवाली का ट्रेड ही रख के चले, हमें लगता है कि यहाँ से भी भावों में और नरमी देखी जा सकती है। जी हिसनु जी, बात करें अगर कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं लेकिन ऊपरी स्तर से कभी कभार देखते हैं कि जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है, ऐसे में अब आने वाले समय में कॉटन का कैसे रुझान रहेगा? देखिए कॉटन में भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि हायर लेवल पे वो डिमांड सिनेरियो जो है वो कम होता हुआ दिखता है, और वैश्विक स्तर पर भी हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, हमें लगता है कि कॉटन के बाजार में अभी कुछ और नरमी आ सकती है, हालांकि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, भावों में कुछ नरमी यहाँ पे रहेगी तो ही खरीदारी करें। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार भाव जो है नीचे करीबन 35,000 से लेकर 34,500 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। जी अनुजी, 1 फरवरी बहुत ही अब पास में है, 1 फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है, कमोडिटी मार्केट में क्या हलचल हो रही है, कमोडिटी मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट को लेकर? देखिए एक तो एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉस्टिंग है फ्यूचर्स मार्केट में CTT को लेकर उसको हटाया जाए, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ आ सकता है। दूसरा कि जो कमोडिटी बैंड हुई है सरकार उसमें भी कदम ले सकती है क्योंकि फ्यूचर मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है, हमने अगर हम देखें तो काफी इंडस्ट्रीज ने बोला है कि फ्यूचर्स मार्केट होना चाहिए, तो जो जो कमोडिटी बैंड हुई है वो दोबारा से रीलॉन्च होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए नई कमोडिटी और लॉन्च होती हुई दिखाई दें, और फ्यूचर्स मार्केट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है या FPI का है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उनको लेकर यहाँ पे कुछ डिसीजन आ सकते हैं जो कि कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। तो कॉस्टिंग पार्ट पे मेन फोकस रहेगा, दूसरा फोकस हमें लगता है कि जो FPI का जो इन्विटेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए, FPI यहाँ पर इन्वाइट हो कमोडिटी मार्केट में, उनको लेकर कुछ सलाह हो सकती है, और कमोडिटी मार्केट में जो कमोडिटी बैन हुई है उनको दोबारा से रिलॉन्च करने का डिस्कशन हो सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बजट में ये सब काम हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में किस कृषि फसल में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, और अब बजट भी आने वाले 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो उससे कम्युनिटी सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं ये भी हमने जाना। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।